दोस्तों हॉटस्टार पे मैं अभी एक मूवी ख़त्म किया जो कि है 83 मूवी। और 83 मूवी देखने के बाद मैं थोड़ा भावुक हो गया, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मेरा थोड़ा गुजबम भी आ गए थे। तो मूवी अगर इतना अच्छा था तो मूवी उतना बिजनेस क्यों नहीं कर पाया जितना उसे करना चाहिए था। तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मुझे मूवी में क्या क्या अच्छा लगा। पहली बात तो मुझे मूवी में कास्टिंग अच्छा लगा, वो चाहे कपिल देव की कास्टिंग हो या फिर सुनील गावस्कर की कास्टिंग हो या फिर के श्रीकांत या फिर यशपाल शर्मा, सारे क्रिकेटर का कास्टिंग बहुत अच्छा किया गया है। दूसरी बात तो मुझे अच्छा लगा सिनेमाटोग्राफी, बहुत अच्छा था सिनेमाटोग्राफी। जब भी क्रिकेट मूवी में चलता था ऐसा लगता नहीं था इसको सेटअप किया गया है, बिल्कुल नेचुरल क्रिकेट की जैसा फील ये दे रहा था। जैसे हम टीवी पे क्रिकेट देखते हैं वैसा ही भाई ये मूवी हमको दे रहा था। जो रियल लाइफ क्रिकेट एंड रियल लाइफ क्रिकेट को कनेक्ट किया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कपिल देव का बीच बीच में अपीयरेंस होना वो भी अच्छा था। तो अगर मूवी में इतने सारे अच्छे चीज़ थे तो मूवी उतना अच्छा बिजनेस कर क्यों नहीं पाया, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहला रीज़न हो सकता है मूवी का रिलीजिंग टाइम। देखिए जिस वक्त ये मूवी रिलीज हुआ उस वक्त दो बड़े हिट मूवी रिलीज हुए थे, एक था स्पाइडरमैन नो वे होम और दूसरा था साउथ इंडस्ट्री का पुष्पा। तो स्पाइडरमैन नो वे होम एक कमर्शियल सिनेमा था जो कि मासेस ऑडियंस को भी पसंद आया था और क्लासेस ऑडियंस को भी पसंद आया था, और पुष्पा भी सेम टाइप का मूवी था जो कि मासेस ऑडियंस एंड क्लासेस ऑडियंस दोनों ऑडियंस को पसंद आया था। बीच में आ गया 83 जो सिर्फ क्लासेस ऑडियंस को ही पसंद आएगा, ज़्यादा मासेस ऑडियंस को ये मूवी पसंद नहीं आएगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इस मूवी को ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाया गया है। जैसा 83 में हुआ था वैसा ही कुछ 83 मूवी में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वही पुराना वाइब आपको फील आएगा, यानी कि बहुत मज़ेदार आपको फील होगा। लेकिन ये फील सिर्फ हार्डकोर क्रिकेट फैन ही फील कर सकते हैं एंड जो 83 मैचेस उस वक्त देखे थे उन लोगों को ये फील आएगा, और जो लोग क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं उन लोगों को कुछ भी फील नहीं होगा। क्योंकि 83 मूवी में बहुत सारा क्रिकेट दिखाया गया है, मतलब अगर मूवी 2 घंटा 40 मिनट की है तो 1.5 घंटा तो मूवी में क्रिकेट ही होगा। ऐसा नहीं है क्रिकेट देखने के वक्त आपको बोर लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्रिकेट के सीन आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि कपिल देव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना या फिर फिनाले मैच या फिर सेमी फिनाले मैच, बहुत सारे मैचेस आपको देखने में मज़ा आएगा। लेकिन बीच बीच में कभी कभी आपको मैचेस भी बोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मैच देख के आपको थोड़ा बोर भी लग सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है, ये टेस्ट मैच को दिखाया गया है। आज की वक्त में लोगों को T20 मैच देखना ज़्यादा पसंद है, उसके बाद 50-50 मैचेस देखना पसंद है, उसके बाद जाकर हार्डकोर फैन सिर्फ आज की डेट में टेस्ट मैच देखते हैं। तो 83 मूवीज़ का जो क्रिकेट है वो टेस्ट मैच है, तो टेस्ट मैच आज की डेट पे लोगों को कम थोड़ा पसंद आता है। हार्डकोर क्रिकेट फैन को तो पसंद आता ही है, लेकिन जो न्यूट्रल फैन है उनको ज़्यादा T20 क्रिकेट मैच देखना पसंद है, और IPL आज की डेट में इसीलिए इतना पॉपुलर है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं 83 मूवी उतना बड़ा सक्सेस नहीं होने का। ऐसा नहीं है 83 मूवी उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाया है, 83 मूवी 100 करोड़ कमाया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है इस मूवी का बजट बहुत बड़ा था, इसीलिए इस मूवी को लॉसेस सहना पड़ा। अगर ये मूवी 70 करोड़ में बन गया होता तो ये मूवी बहुत बड़ा एक हिट मूवी आज कहलाया जाता। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।